Sir, good evening. Suggestions shares से related आपका company law का shares. Shares का जब हम बात करते हैं तो equity share क्या होता है वो पता होना चाहिए. Preference shares आपको पता है. Preference dividend में और winding up पे time पे उनको एक पहले पैसा मिलता है. That is what preference. Cumulative और non-cumulative का difference पता रखना. Shares और stock का difference पता होना चाहिए. Stock fully paid up होता है. Shares fully paid up नहीं होता है. हो भी सकता नहीं भी हो सकता. That is what. और भी डिफरेंसेस है कि कंपनी स्टॉक शेयर शुरुआत में इशू नहीं करती है, शेयर्स इशू करती है. स्टॉक बंडल होता है शेयर्स का, ये नहीं होता है. स्टॉक का फेस वैल्यू होता है, शेयर्स का फेस वैल्यू होता है, स्टॉक का नहीं होता है. तो काफ़ी सारा डिफरेंसेस है, तो वो पता होना चाहिए. ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का डिफरेंस पता रखो. ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स वॉलेंट्री होता है, वो कंपलसरी होता है. यहाँ कंसिडरेशन होता है, वहाँ कंसिडरेशन नहीं होता है. ट्रांसफ़र में कैपिटल गेंस आ सकता है, टैक्स स्टैम्प ड्यूटी सब लगती है, यहाँ नहीं लगता है. ये वॉलेंट्री ट्रांसफ़र है, ये ऑपरेशन ऑफ लॉ है, क्योंकि एक बंदा मरता है तो उसके नॉमिनी को सर जी शेयर मिलता है. डेट इज़ वॉट इट इज़ ऑल अबाउट. तो बेसिकली ये तुमको पता होना चाहिए. इसके बाद आपका ट्रांसफ़र ट्रांसमिशन बोनस और राइट्स पता होना चाहिए. बोनस फुल्ली पेड अप कोई मिलता है, ये आपको पता होना कि बोनस फुल्ली पेड अप शेयर्स को और किस किस सोर्सेज से बोनस मिलता है. फ्री रिजर्व से मिलता है, उसको ध्यान रखो. फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स होते हैं, और अगर कंपनी का पार्टली पेड अप है तो कंपनी पहले उसको फुल्ली पेड अप करेगी, फिर बोनस इशू करेगी. राइट शेयर्स भी सेम है, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को दिया जाता है और उनको एक राइट दिया जाता है कि अगर वो चाहे तो वो खरीद सकते हैं, नहीं तो दूसरे को दे सकते हैं. डेट इज़ रिनाउंसिएशन वी से. इसके बाद अपने को ध्यान रखने का ब्लैंक ट्रांसफ़र क्या होता है. जब बंदा सिर्फ साइन करके अपना नाम नहीं लिखता, जिसको बेच रहा है उसका नाम नहीं लिखता है, तो उसको अपने ब्लैंक ट्रांसफ़र बोलते हैं. वो बाय डिलीवरी ट्रांसफ़र होने लगता है, और जिस दिन जिसको अपने नाम पर रजिस्टर करना, वो अपना नाम लिख के कंपनी को दे देता है. डैट इज़ वॉट ब्लैंक ट्रांसफ़र इज़ ऑल अबाउट. इसके बाद सर जी अपना आता है इसके अंदर में फॉर्ज ट्रांसफ़र. कंपनी के शेयर होल्डर का कोई फॉर्जरी सिग्नेचर फॉर्ज कर देता है, और उसके बाद अगर अप्लाई करता है ट्रांसफ़र फॉर्म में कि मेरे को रजिस्टर होना है, तो क्या कंपनी फॉर्ज ट्रांसफ़र में रजिस्टर करेगी? नहीं, नहीं करेगी, रिफ्यूज़ कर देगी. अगर बाई मिस्टेक कर भी देती है तो वो बंदा वैलिड शेयर होल्डर नहीं होगा. बाद में जो ओरिजिनल शेयर होल्डर है, जिसका साइन कॉपी हुआ, वो जब अप्लाई करेगा तो कंपनी सामने वाले का कैंसिल कर देगी और उसको दे देगी उसका शेयर. हाँ, अगर वो किसी और को बेच दिया जिसने चोरी किया है, और बोनाफाइड बंदा है जो ख़रीदा है, तो कंपनी उस केस में बोनाफाइड वाले का शेयर कैंसिल करेगी, क्योंकि एक्चुअली हमने बेचा ही नहीं है, तो मेरे पास वापस शेयर आ जाएगा और उसको कंपनी इंडेमनीफाई करेगी. और कंपनी को जो नुकसान हुआ है जिस बंदे ने फॉर्ज किया था, वो बंदा उसको कंपनी को पेमेंट करेगा. डेट इज़ वॉट इट इज़ ऑल अबाउट. इसके बाद आपका ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम लोग शेयर को, तो अपने जैसे ही ट्रांसफ़र करते हैं उससे अपने को 30 डेज़ के अंदर में कंपनी को इन्फॉर्म करने का है, 60 डेज़ के अंदर में ट्रांसफ़र फॉर्म जमा करना है, और कंपनी देखेगी अगर सब सही है तो कंपनी रजिस्टर कर देती है ट्रांसफ़र को. हाँ, अगर पार्टली पेड अप शेयर्स का ट्रांसफ़र फॉर्म गया है, तब उस सिचुएशन में क्या होगा सर जी, कंपनी अगर ट्रांसफ़रर ने जमा किया है फॉर्म, तो कंपनी ट्रांसफ़री को इन्फॉर्म करेगी कि भाई देख लो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर 15 डेज़ में कुछ नहीं बोलता तो कंपनी रजिस्टर कर देगी. और ट्रांसफ़री ने ही खुद ट्रांसफ़र फॉर्म अगर जमा किया, तब तो कंपनी को नोटिस देने का दरकार नहीं है. डैट इज़ वॉट इट इज़ ऑल अबाउट. ये आपका पूरा इसके अंदर में ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन का कहानी है. हाँ, 60 डेज़ है तो 30 डेज़ के अंदर में कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा कि वो रिफ्यूज़ कर रही है कि नहीं कर रही है ट्रांसफ़र को. अगर वो करती है तो फिर उसके बाद 30 डेज़ के अंदर में आप अपील फाइल कर सकते हो. जैसे ही आपको पता चलता है, यू कैन फाइल एन अपील टू द NCLT ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर आएगा वो कंपनी को और सबको मानना होगा 10 डेज़ के अंदर में. नहीं मानने से पेनल्टी पढ़ लेना भाई. इसके बाद सर जी आपका रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रांसफ़र ख़त्म हो गया. देन कम सर जी आपका रिफ्यूज़ल हो गया, शेयर्स हो गया, नॉमिनेशन. हर एक बंदा चाहे तो नॉमिनी अपॉइंट करता है शेयर होल्डर. नॉमिनी का फॉर्म कंपनी को मिलता है, कंपनी उसको संभाल के रखती है. नॉमिनी का राइट हमेशा लीगल एयर से ज़्यादा बेटर होता है, तो उसको मिलेगा ही मिलेगा शेयर. नॉमिनी हो गया. हाँ, बाईबैक. बाईबैक से क्वेश्चन आएगा, कितना परसेंट बोर्ड रेजोल्यूशन से बाईबैक हो सकता है? 10%. शेयर होल्डर्स के रेजोल्यूशन से 25%. कितना पेमेंट करते हैं? 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स. वहाँ पे 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व. डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज़्यादा नहीं हो सकता. डेट इज़ वॉट इट इज़ ऑल अबाउट. इसके बाद आपका सर डेप्ट इक्विटी रेशियो हो गया. हाँ, जिस दिन बाईबैक कंप्लीट हुआ उससे 7 डेज़ के अंदर में एक सर्टिफिकेट फिजिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा. कंपनी को ये बोलना पड़ेगा कि आने वाले साल भर में उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, अगर वो फ्रेश इशू नहीं कर सकती है, कि डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना पड़ेगा. फ्रेश इशू ऑफ सेम शेयर्स नहीं हो सकता. हाँ, अगर कन्वर्जन हो रहा है शेयर्स का या
बोनस दे रही है तो वो चीज़ अलाउड है, अदरवाइज नहीं है अलाउड। रजिस्टर ऑफ बाईबैक मेंटेन करना पड़ेगा, किस किस का शेयर बाईबैक किए हैं, कितना रुपया दिए हैं, ये सारा चीज़ का आपको डिटेल रखना पड़ेगा। ऐसे करके कुछ क्वेश्चन है उसमें, थोड़ा उसको देख लेना, वो देखने से तुमको समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये होने के बाद आप कितने दिन में बाईबैक कंप्लीट होना चाहिए वो भी उसके अंदर में उसको देख लो एक बार। बाईबैक यही है, ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, कंपनी शेयर इशू कर सकती है अपने शेयर होल्डर को, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, अपने इम्प्लॉयज़ को देती है, इशू करती है, क्योंकि उससे उनको कोई बेनिफिट हुआ है, कोई डेफिनेटली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिला है तो उनको दिया जाता है। डेट इज़ व्हाट, उनको उस डिस्काउंट में शेयर इशू हो सकता है। क्या कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू कर सकती है? नो, नॉट अलाउड, सिर्फ उन्हीं को किया जा सकता है और किसी को नहीं किया जा सकता है। प्रीमियम में हाँ, अनलिमिटेड हो सकता है प्रीमियम, लेकिन जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आप इतना प्रीमियम क्यों कर रहे हैं, तो उसका कैलकुलेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना पड़ता है कि वाई दे आर चार्जिंग सो मच प्रीमियम फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। डेट इज़ व्हाट, ये हो गया आपका शेयर का बाईबैक, शेयर्स एंड स्टॉक का डिफरेंस, शेयर्स पता है इक्विटी, ऑथराइज कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल, ये सब अपने को पता है तो इसमें कुछ बोलने का नहीं है। उसके बाद वन मैन मीटिंग ध्यान रखना कि अगर सारा शेयर होल्डर शेयर्स एक ही बंदे के पास है तो वन मैन मीटिंग वैलिड है, और अगर कंपनी का एडजन होता है मीटिंग ड्यू टू लैक ऑफ कोरम तो उस सिचुएशन में जो नेक्स्ट मीटिंग होगा एडजन मीटिंग उसमें भी अगर कोरम नहीं आता है तो हाफ एन आवर में तो जितने बंदे हैं वो लोग ही सरजी कंटिन्यू कर सकते हैं मीटिंग को, तो वहाँ पे वन मैन मीटिंग वैलिड है। ये मीटिंग का है, लेकिन हम मीटिंग में ये बोलना भूल गए थे तो हम बता दिए तुमको, थोड़ा देख लेना। मेरे हिसाब से इतना देख लेने से तुम्हारा शेयर भी बहुत हद तक कवर अप हो जाएगा, बट आई थिंक नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, बन पाएगा तो ज़रूर डालेंगे। थैंक यू।